20 तारीख को मेरी शादी है और 30 तारीख में सिर्फ तीन दिन बचे हैं और मैंने करीब हफ्ते भर से ट्राई कर रहा हूँ राजनाथ जी का समय लेने के लिए, समय किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है। तो तीन दिन जो बचे हैं शादी में, इसमें इसी तीन दिन के बीच कार्ड देना है, तो इसलिए मैं आज 30 तारीख को शादी है और 27 तारीख है, इसलिए मैं राजनाथ जी के पास कार्ड दे रहा हूँ। सिंह जी मिले वो तो आज मिल नहीं पाए, कहीं बाहर है वो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्हें कार्ड दे के उन्हें न्योता दे दिया और उन्हें उसके पर कार्ड पे ये भी लिखा है कि फैमिली आइएगा और मुझे उम्मीद है कि राजनाथ जी शादी में अपना आशीर्वाद देना ज़रूर आएंगे, हम भी उनके बच्चे की तरह हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा एक लगातार एक जो चीज़ रही है कि जिस तरीके से मैं पहले भी राजनाथ सिंह जी से मिल चुका हूँ और मेरे साथ सैलरी कमेटी के चेयरमैन विशेष रवि जी भी हमारे साथ हैं और उस दौरान भी मैंने उनसे यही गुजारिश करी थी कि जिस तरीके से बाकी एमएलए इसकी दिल्ली के बाहर बाकी एमएलए इसकी अदर स्टेट्स में 13 स्टेट्स में ऑलरेडी सैलरी बढ़ चुकी है, अदर स्टेट्स में सैलरी ज़्यादा है, उसी तरीके दिल्ली के विधायक जो है ईमानदारी से और लगनशील होकर लगातार प्रयासरत हैं और पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से लोगों की जनता की सेवा में काम कर रहे हैं, कोई ऊपरी कमाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सैलरी को वाजिब तरीके से बढ़ाई जाए। इसलिए लगातार राजनाथ सिंह जी से 2016 से लगातार उनके पास वो बिल पेंडिंग है, उनसे गुजारिश यही कर रही जा रही है कि बार बार कि अगर वो सैलरी का इंक्रीमेंट वाला बिल पास कर दें और उसको दोबारा विधानसभा कमेटी में भेज दें तो उससे हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी और हमारे पास भी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार का लालन पोषण बखूबी रूप से करें और उससे हमें बहुत मदद मिलेगी और मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी हमारी बात जरूर मानेंगे। राजनाथ जी जो हमारे बड़े हैं और उनका आशीर्वाद ही अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन फिर भी सैलरी की ज़रूरत तो सबको है।